आप लोग साइकिल से परिक्रमा में हैं? जी। कहाँ से? ओमकारेश्वर से। हर रोज कितना चल रहे हैं? 40-50-60। बहुत बढ़िया। कितना एज है बेटा आपका? 10 साल। 10 साल है, वाओ। चलिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। रात्रि में केवट आश्रम पे विश्राम करने के बाद में सुबह में मैंने सूर्य देव के दर्शन करे और यहाँ पर स्वयंभू श्री भोरेश्वर महादेव के मंदिर में जल चढ़ाया। यहाँ पर आप पाएंगे कि बेहद ही खूबसूरत शिवलिंग है और यहीं पर एक आश्रम के पास में कुटिया है जहाँ पर साधु संत साधना करते हैं। सुबह में 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे की साधना में साधु लीन रहते हैं। यहाँ पर वे अपने शिष्यों को दीक्षा भी देते हैं। हालांकि मैंने कुछ वक्त इंतज़ार भी करा कि किसी तरह से किसी साधु संत से मुलाकात हो सके, पर ऐसा नहीं हो पाया। आज वे लोग अपनी साधना में काफ़ी देर तक विलीन थे। फिर मैंने परिक्रमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 46वां दिन है और हम लोग केवट आश्रम से बढ़ रहे हैं कुकड़वाड़ा की तरफ। मैं आपको बता दूं कि आज हम कुछ वक्त तो मैया के साथ साथ ही चलेंगे, क्योंकि ये केकड़वाड़ा जो है आश्रम, ये भी मैया के घाट पे ही है और केवट आश्रम जो है ये भी एकदम मैया के घाट पे है। तो पहले सुबह के यहाँ के मनमोहक दृश्य आपको दिखाता हूँ और फिर हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आज बड़ा ही आनंद का दिन था, क्योंकि प्रातः काल से अभी तक मैं मैया के साथ साथ धीरे धीरे परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था और साथ में ये भी देखने को मिल रहा था कि घाट के पास में कुछ काम चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पर मार्ग बना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे बाल भोग के लिए रुके हैं और यहाँ पे हमें बहुत दिनों बाद में घर की कड़क चाय मिल रही है। तो सुबह के बज गए हैं 10:11 और सुबह से हम लोग अभी लगभग 7 किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ पर इस गांव में घर पे थोड़ा बाल भोग हमको कराया गया, चाय बिस्किट, और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम है। तो हम लोग बस वहीं पे पहुँच रहे हैं और वहीं पे शायद माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। नर्मदे हर। दशान गांव में मैंने एक मंदिर देखा जिसके साथ ही मस्जिद भी बनी हुई थी। मंदिर और मस्जिद की एक ही दीवार थी। आप यहाँ पे पाएंगे कि दक्षिणेश्वर महादेव के 4 स्वयंभू शिवलिंग हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करे और परिक्रमा को आगे बढ़ाया। आज की परिक्रमा के दौरान हम लोग कभी मैया के साथ चलते तो कभी गांव के बीच में से निकलते। सभी परिक्रमावासी बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, लेकिन खामोशी से मैया को निहार रहे थे और प्रकृति का आनंद ले रहे थे। परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए आज हमें ऋणमोचन हनुमान जी के दर्शन हुए। ये पहली बार हमने पंचमुखी हनुमान जी की इस तरह की प्रतिमा इस परिक्रमा में देखी। कहते हैं कि यहाँ पे दर्शन मात्र से ही आपके
जीवन के सभी ऋण से आपको मुक्ति मिलती है। नर्मदे हरि। दोपहर का वक्त हो चला था, हम लोग पहुंचे त्रिगुणातीत सेवा आश्रम में। हालांकि हम लोग थोड़ा देरी से थे, फिर भी माँ अन्नपूर्णा की कृपा हुई और हमें यहाँ पे भोजन प्रसादी मिली। थोड़ी देर हमने भोजन प्रसादी के बाद यहाँ पे विश्राम करा और यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करे। परिक्रमा मार्ग में मैंने ये वृक्ष देखा जो कि बड़ा ही अद्भुत था। आप पाएंगे कि पीपल के वृक्ष की जड़ें जमीन में न जुड़ के नीम के इसी पेड़ के ऊपर जुड़ी हुई हैं। परिक्रमा के दौरान हम लोग अब भरूच शहर में पहुंच चुके थे और यहाँ पे मैया के पास में ही कामनाथ महादेव का एक मंदिर है जहाँ पे आज रात्रि में हम विश्राम करेंगे। कामनाथ महादेव में कहा जाता है कि जैसे उज्जैन के महाकाल के अंदर शाम की आरती नगाड़ों के साथ में घंटियां बजा के होती हैं, उसी प्रकार की आरती हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए आज शाम की आरती कामेश्वर महादेव भरूच में हम करते हैं। नर्मदे हरि। Thank you.